हमारे यहाँ अरेस्ट करने गए थे, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं बताया थे। जब मैं यहाँ सवेरे अभी कोर्ट आई, मतलब पुलिस थाने गई थी, जब मेरे को पता चला कि ये धारा लगी है करके, उसके पहले पता नहीं। आपको मालूम है राजद्रोह की धारा क्या होती, क्या होता है राजद्रोह? सर नहीं मालूम, मेरे को बस भैया लोग बताए यहाँ आने के बाद, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। आपके यहाँ कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता है, कोई गए थे? हाँ सर गए थे, नवाज भाई। मैं नहीं थी, मेरे बच्चा था, मेरा बड़ा वाला लड़का 12 साल का, मैं तो यहाँ सवेरे से आ गई थी। क्या बोले? मैंने दिखाया उनको वीडियो जो उसके पापा ने बनाए थे, और घर का मतलब बातचीत किए, पूछे कर जो जो बताए मेरे बेटे। मुख्यमंत्री ने आपसे बातचीत की है, क्या क्या बोले? बस वो बोले कि ये कहते जो राजद्रोह का आपके ऊपर धारा लगा था 124, मैं मतलब रद्द करा देता हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं पूछी सर, बस मैं उनका। कब बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से? जी अभी 3 बजे करीब, 3 बजे। और वो नवाज खान जी? नवाज खान भैया से तो मैं कोई समय मिली हूँ 10-15 मिनट पहले। मुख्यमंत्री ने आपसे कहा कि राजद्रोह की धारा हटा रहे हैं, तो आपने नहीं पूछा क्यों हटाई जा रही करके, क्या वजह है, क्यों लगाई थी? नहीं मैं वो सब नहीं पूछी सर, मेरे को तो बताइए, बस मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपको कि आप मुख्यमंत्री होते हुए हमसे बात की है, नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री इतना पास से कहाँ जनता से बात करता है सर। आपको नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी राजनीति हो रही है? हो सकता है सर, मैं इसके बारे में जानती नहीं तो बोल भी नहीं सकती ना कुछ, हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है, कविता अग्रवाल। उनकी मिसेस जी? मैं मांगीलाल जी अग्रवाल जी।